सो हेलो गाइस, दिस इज़ आर्यन पांडे और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज का मौसम आप देख ही सकते हो पीछे, यार क्या प्यारा मौसम हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं अपना जिम करने और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने घर से, फिर हम एक नई जिम में जा रहे हैं आज, जहाँ पे अभी हम जिम चेक कर रहे हैं एक्चुअली अपने लिए कि हमें कौन से जिम में जाना बेस्ट रहेगा। तो आज हम एक नई जिम में जा रहे हैं जो आपको चल के दिखाएंगे वहाँ पे जाके। और तब तक के लिए यार क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है, उसके नज़ारे के मज़े लो यार। तो आज की हमारी स्टार्टिंग होगी वर्कआउट के हमारे वार्म अप से, और हमारा वार्म अप होगा सबसे पहला रोटेटर कॉर्ड्स, जो कि आपके शोल्डर्स की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की सारी पोस्ट मूवमेंट हैं और आपको अपने ओवरहेड प्रेसेस करनी होगी और चेस्ट प्रेस करनी होगी जो कि हैवी होगी, तो उसके लिए शोल्डर की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये ख़त्म होते ही हम आएंगे सीधे चेस्ट फ्लाइज पे, जैसे आप पैक डेक्लाई भी कहते हैं। तो इसके हम करेंगे टोटल 4 सेट, जिसमें से एक सेट आपका वार्म अप होगा, उसके बाद 2 सेट आपके मेन होंगे। तो ये है हमारा मेन सेट, जिसमें हम जितनी मैक्सिमम रेपिटेशन हो सकती है उतनी लगाएंगे, और ये आपको तीनों सेट जो मेन होंगे वो तीनों मैक्सिमम रेप लगाने हैं अपने। इसके ख़त्म होते ही हम जाएंगे सीधे डंबल प्रेस पे, जो कि आपके होंगे टोटल 5 सेट, जिसमें से 2 सेट आपके होंगे वार्म अप के और 3 सेट होंगे आपके मेन। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वार्म अप, और ये वार्म अप सेट है मेरा। तो इसके बाद चलते हैं सीधे मेन सेट पे। तो हम आ गए अपने मेन सेट की तरफ, जो क्या हुआ हमारा 40 kg से, और 40 kg से मैंने कोशिश करी थी कि 6 से 7 रैप आ जाए, तो पूरा ट्राई करा था तो आ गए थे थोड़े, और ज़्यादा आ जाएंगे आराम से 10 to 12 आ जाएंगे। आगे और कोशिश करेंगे, अभी स्टार्ट करिए वर्कआउट। तो थोड़ा सा वेट हैवी लग रहा है, 40 kg मैक्सिमम डबल थे, मतलब मैक्सिमम वेट था एनी टाइम का, मैंने वो ट्राई करा था इस वजह से। इसके बाद जो हमारा मेन सेट होगा दूसरा, वो मैंने 30 से करा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, 35 के डंबल बुक थे पहले से ही, तो मैंने 30 से कर लिया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो 30 से मैंने टोटल अप्रॉक्स 10 रैप्स निकाले थे। वीडियो पूरी शूट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो जितने मैक्सिमम रैप्स अगर मैं दिखा सकता हूँ उतने दिखाऊँगा। तो इसके ख़त्म होते ही हम आ जाते हैं सीधे अपने शोल्डर प्रेस पे। शोल्डर प्रेस पे हम कोशिश करते हैं कि 4 सेट अपने मैक्सिमम पे लें, हमें टोटल 4 सेट लेने हैं, जिसमें हम बिल्कुल अपने एंड तक जाएंगे, कोई काउंट नहीं करने रैप्स, आप जितना एंड तक अपने शोल्डर्स को ड्रेन कर सकते हो उतना कर लो। तो ओवर कर चुके हो गए आप 3 सेट, और उसके बाद ये होगा आपका लास्ट सेट शोल्डर के लिए। तो शोल्डर के टोटल 4 सेट करने थे, ये हमारा लास्ट सेट था। इसके बाद आप आ जाओगे सीधे चेस्ट प्रेस के लिए। अगर आपकी जिम में ये मशीन का ट्राई ज़रूर करना है एक बार, तो 3 सेट इसके करने हैं मैक्सिमम रैप्स के लिए, और ट्राई करना कि बिल्कुल एंड तक जाओ, वेट कम रखो और रेपिटेशन हाई रखो। तो जैसे ही ये आप करना ट्राई करोगे ना, और आपको पंपिंग अच्छा ही फील होगा, तो इसे ट्राई करके ज़रूर देखना। उसके सीधे बाद हम आ जाएंगे लेटरल रेस पे। तो जो हमारे साइड डेल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत यूज़फुल होते हैं आपकी शोल्डर टू वेस्ट रेशियो में। आपके साइड डेल्ट्स जितने डेवलप होंगे ना, उतनी आपकी वेस्ट रेशियो कम दिखेगी, आपका शोल्डर टू वेस्ट रेशियो कम दिखेगा। तो आप लेटरल रेजेस काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, टोटल 4 सेट करना है इसके दोनों हाथों से। अगर आप चाहो तो डंबल से कर सकते हो, चाहो तो मशीन पे कर सकते हो। मशीन पे मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन बिल्कुल अच्छी आती है मेरी, और एक मसल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होती है मशीन पे। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा पंप चेक करा अपना शोल्डर का और चेस्ट का भी, तो सही आ रहा था, थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। तो इसके बाद हम सीधे चलेंगे अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस पे। तो हमारी लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस होंगी ये ट्राइसेप पुश डाउन। तो ये हमारे ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज होगी, जो कि है ट्राइसेप पुश डाउन, जो सभी करते होंगे आई होप। उसके बाद आप रिवर्स ग्रिप पुश डाउन ले सकते हो, या फिर आप रोप से भी ले सकते हो इस चीज़ को। चाहो तो आप सिर्फ ट्राइसेप पुश डाउन भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो। मैं इसको पंप के लिए यूज़ करता हूँ, और थोड़ा सा और माइंड मसल कनेक्शन मेरा अच्छा बैठता है इस एक्सरसाइज पे, तो मैं इस वजह से इसको यूज़ करता हूँ।
तो रिवर्स ग्रिप पुश डाउन आपको करनी है टोटल 3 सेट, और पुश डाउन भी आपको करनी है टोटल 3 सेट। ट्राइसेप की दोनों मूवमेंट्स हम तीन तीन सेट के लिए करेंगे, और अपने मैक्सिमम तक जाना है इसमें भी आपको अपने मैक्सिमम। तो दिन की पहली मील की स्टार्ट होगी हमारी पनीर और प्याज के पराठे से। सो पनीर और प्याज के पराठे और थोड़ा सा अचार है साथ में, तीन पराठे हैं मेरे पास। और इसके साथ हम थोड़ी सी लेंगे अपनी चाय, चाय होगी हमारी फ्लेवर के लिए बस, और अचार भी बहुत थोड़ा सा ही है। सो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है खाने में। घर पे बनी हुई चीज़ें पर आराम से खा सकते हो उसको। आप अपने मैक्रोज में ऐड, मतलब अपने मैक्रोज चेक कर लो इसके अकॉर्डिंग। ओके सो इसको अपने आप माई फिटनेस पहले या फिर आप जो भी ऐप यूज़ करते हो उसमें नोट कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने मैक्रोज हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इससे मिल। तो ये थी मेरी छोटी सी एक कीट मील जो कि खा सकते हो कभी कभार। इसके भी मैक्रोज मैंने ऐड कर लिए अपनी डायरी में। तो ये थोड़ा बाहर गए थे घूमने तो खा लिया था। अब इसके आगे आप देखते जाओ कैसे कैसे मस्ती करिए लास्ट की। तो यहाँ पे हमने कर ली थी थोड़ी सी आर्म रेस्लिंग की प्रैक्टिस, और अर्पित और अक्षत को बहुत कुछ सिखाया। आगे आने वाले जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें ये दोनों भी और अच्छा खेलेंगे। तो आप देखते जाओ, आप भी सीखो थोड़ा बहुत। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेशंस के बाद हमने लास्ट ये दो तीन मैच करे थे मैंने और अर्पित ने स्ट्रैप पे। मज़ा आया खेल के, आज सिखा के भी अच्छा लगा और सीख के भी अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें सीखी भी और सिखाई भी। सो आज का मैच हम यहीं पे एंड करते हैं और ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। इसके बाद अगर आपको और कुछ ऐसा देखने में मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि कैसा और क्या हम कर सकते हैं और अच्छा आपके लिए। तो सजेशन ज़रूर देना अपनी, अपने किसी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपको पसंद आती हैं हमारी वीडियोस तो। और अगर आपको आर्म रेस्लिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहीं पर एंड करते हैं ब्लॉग को। थैंक यू इतना देखने के लिए। तो बाय बाय।